जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हनुमान टेकरी मंदिर पर हजारों लोग मौजूद हैं। रात 2 बजे ही मुख्य हॉल श्रद्धालुओं से भर चुका था, बाकी आए नागरिकों को बाहर ही रोक दिया गया। कलेक्टर, SP सहित पूरे प्रशासनिक और पुलिस का अमला रात 1 बजे से ही मंदिर पर पहुंचकर व्यवस्थाएं संभालने में जुट गया था। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुले, पूरा हॉल जय बजरंगबली के नारों से गुंजायमान हो गया। मंगला आरती के साथ भगवान हनुमान जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। 20 मिनट तक आरती के बाद मंदिर सभी के लिए खोल दिया गया। सुबह 10 बजे तक ही 50,000 से ज्यादा लोग मंदिर पर दर्शन करने पहुंच चुके थे। कुछ इसी तरह भगवान हनुमान का जन्मोत्सव गुना में हनुमान टेकरी पर मनाया गया। यह आयोजन 2 दिन तक चलेगा। दावा है कि लगभग 5 लाख लोग आज टेकरी पर दर्शन करने पहुंचेंगे। इस बार विशेष फूलों से बालाजी का श्रृंगार हुआ। पूरे गर्भगृह में फूलों से श्रृंगार किया गया। मुख्य गर्भगृह को मोगरे के फूलों से सजाया गया है ताकि वे ठंडा रहे। बाकी जगह को भी गेंदे, आर्किड, गालिसन, मोगरा, टच गुलाब एवं कई प्रकार के नायाब फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा पहली बार फायर लाइटिंग की व्यवस्था रही। इस आकर्षक लाइट का नजारा भी श्रद्धालुओं ने देखा। इस लाइट में खास बात यह है कि इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे फटाकों की रोशनी हो रही है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव गुरुवार को जिले भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। जिले के सबसे बड़े बालाजी मंदिर हनुमान टेकरी परिसर में सुबह लगभग 4 बजे हुई महाआरती में उमड़ी भीड़ देखकर श्रद्धालुओं के उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता था। इस आरती में शामिल होने के लिए लोग रात 2 बजे ही पहुंच गए थे। जो लोग रात 3 बजे आए उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जगह ही नहीं मिली तो उन्हें परिसर में ही खड़े होकर आरती करनी पड़ी, क्योंकि गर्भगृह भगवान शंकर के मंदिर परिसर इसके नीचे और सबसे नीचे वाले हिस्से में भी लोग अपनी जगह बना चुके थे। सबसे खास बात यह कि रही कि सभी धर्म, समाज और संगठनों ने इसमें सहभागिता दिखाई। मुस्लिम समाज के युवाओं ने प्याऊ लगवाई, किसी ने जुलूस पर फूल बरसाया तो किसी ने मंदिर परिसर में सजावट की। खुद कलेक्टर, SP करते रहे मॉनिटरिंग। मेले की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन कई दिनों से जुटा हुआ था। देशवासियों को, गुना नगर वासियों को हनुमान जी, हनुमान जी।